में भी जरूरी है, नहीं तो एक गुनाह है। अच्छा यहाँ बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल आप तीनों से कर रहा हूँ मैं एक साथ, और परवरिश के हवाले से कर रहा हूँ। अभी अभी मेरे दिमाग में आया और वो ये आया कि हम हर बार ये बात कर रहे हैं कि हमें परवरिश करनी चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को, आपने कहा अभी कैसर भाई ने कहा कि मोटर बाइक से पहले हमें हेलमेट उन्हें गिफ्ट करना चाहिए, या आपने कहा कि हम स्कूल में बच्चों को ये बताएं और घरों में बच्चों को बताएं कि ये पेडेस्ट्रियन है, ये पैदल पार करना है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, ये सिखाएं हम। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उम्र के एक हिस्से तक हम लोअर क्लास को या मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और एक हिस्से तक, उम्र के हिस्से तक बींग फादर मदर और बींग चिल्ड्रन, कभी ये सोचते नहीं कि हमारे पास गाड़ी भी होगी, इसलिए हम ट्रेड ही नहीं करते लोगों को, और अचानक एक दिन हमारे पास गाड़ी आती है और उम्र भर के ख्वाबों के बदले में वो गाड़ी आती है, हमारे अंदर कमाल का एंथुसियाज्म है, हमारे अंदर कमाल का जोश और खरोश है, अब हम सब कुछ भूल गए, एक तो सीखा नहीं हमने क्योंकि उम्मीद नहीं थी गाड़ी आने की, अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हमको मिल गई, अब हमने उस जोश और खरोश के साथ सड़क पर गाड़ी डाल दी, उसे दौड़ाया, उसे भगाया, उसे एक्सीडेंट किए, हम सब किया, एंड फाइनली किसी ना किसी एक्सीडेंट से हम जा मिले। आपसे खास तौर आप बात कर रहे हैं कि ये एक मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी की बात कर रहे हैं, हम रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा तालीम तरबियत जो दी जाती है बच्चों को वो ओवरऑल दी जाती है, उनको अच्छाई और बुराई का सलीका बताया जाता है। सर मेरा कहने का मकसद यही है कि हमारे तालीमी निजाम में ये रोड सेफ्टी इसलिए शामिल तो नहीं है, हमारे जो गैर स्कूली निजाम है तालीम का, घर का, ट्रेनिंग का, कहीं हमने इसलिए तो उसे गायब नहीं कर दिया कि हम ऐसा सोचते नहीं कि हमारे पास गाड़ी होगी? नहीं, मेरे ख्याल में ये बात मतलब ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं रखती इस बात को लेते हुए कि अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं सोचे। नहीं चाहिए नहीं, कि मेरा सवाल चाहिए नहीं, होना ये चाहिए, लेकिन क्या ऐसा एग्जिस्टिंग जो हालात है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। फैसल भाई आपका क्या राय है? मेरा इस पे जो टेक है वो जरा डिफरेंट है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये है कि ये जो जनरेशन है और पीछे की जो जनरेशन, हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। पहले हमको कुछ अगर नहीं आता था समझ में तो हम अपने वालिदैन के पास जाते थे, आज का बच्चा गूगल पे जाता है। बहुत अच्छी बात की आपने। आज आप देखिएगा हमारी टेस्ट भी अलग थी, हमारे खाने अलग थे, हद के कपड़े भी हमारे अलग थे, और आज का जो जनरेशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, और उसका जो अवेयरनेस का लेवल है, जो हम शायद ग्रेजुएशन हमारा लेवल होगा, हमारे बच्चों का मेट्रिकुलेशन में वो अवेयरनेस का लेवल होता है, तो आज के बच्चों से गुफ्तगू उनके मीडियम पे हमें करनी पड़ेगी। हम हर वक्त टोका टाकी, हर वक्त उस तंग करके या उसको डांट डपट करके इस मीडियम से हम बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हमको अपनाने पड़ेंगे। एक दूसरी वो मैं वालदेन में भी कमी पाता हूँ, ये है कि हम उनकी कोई चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं, उनके तमाम तर चीज़ों को हम रद्द करते हैं इसको जाने बगैर कि उसमें भी कुछ अच्छाई हो सकती है। तीसरी जो बड़ी बात यह है कि बच्चे जो आज का ग्रोथ हो रहा है वो अर्बन ग्रोथ ज़्यादा है, हम में से ज़्यादातर लोगों का जो है कुछ ना कुछ एक रूरल सेमी अर्बन बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आज के बच्चे मेट्रो में पैदा होते हैं, तो इसमें होता क्या कि मेट्रो में कि उनका जो एक्सपोजर लेवल है वो हमसे बहुत अलग होता है और उनकी पसंद बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, और हम में इतना इंपेशेंस होता है कि हम उस चीज़ को बगावत के तौर पर लेते हैं, उसको डील नहीं कर सकते। मैंने अपने बच्चों में देखा है कि एक ज़माने में उनको कोई चीज़ पसंद थी, 6-8 महीना मैं खुद कई बार गुस्सा होता था, मेरी बीवी मुझे समझाती थी कि ये सब पासिंग फेज है, और मैं अब देख रहा हूँ मेरी बेटी 10वीं में गई है, वो 3-4 साल पहले जिन चीज़ों के लिए उसके दीवानापन था अब सब खत्म हो गई। तो ये जो है ना, इस चीज़ को फेस करना और इस शर्त पे लाना कि मेरी बात काटी जा सकती है और दलील से काटी जा सकती है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप चीज़ें हम पे इसलिए इम्पोज कर रहे हो क्योंकि आप हमको कन्विंस नहीं कर सकते, और कभी बुरा भी लगता है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ उसको तो मैं समझता हूँ कि ये बात उसकी बड़ी मदलल है। हाँ, क्योंकि हमारे जमाने में तो हम अपने पेरेंट्स को ये कह ही नहीं सकते। तो क्या होता है कि व्हेन यू रन आउट ऑफ रीजन यू कम इनटू इन्फोर्समेंट थ्रू वायलेंस, थ्रू रिब्यूक, थ्रू समथिंग। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना, इसके चलते क्या हो रहा है, पेरेंट की दुनिया अलग हो गई, बच्चों की दुनिया अलग हो गई, और वो अपने अपने दुनिया में जी रहे हैं, अगरचे वो एक घर में रहते हैं। एक घर में रहते हैं दोनों की, पेरेंट्स और बच्चों की दुनिया अलग हो गई।